हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। तो अभी हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है। कौन सा चैप्टर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जो चैप्टर का नाम है उसका आंसर है सेल। तो इस वीडियो में हम छोटा सा, ये प्रॉपर वीडियो नहीं है, इंट्रोडक्शन वीडियो, हम देख रहे हैं कि जो सेल होता है, बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है क्या है फाइनली। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि ऑर्गेनिज्म बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर सीक्वेंस में देखना सारी वीडियोस, तभी समझ आएगा, ठीक है। और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े, ठीक है। और ये क्या होते हैं ये भी पढ़े। यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब सिंगल। ये इनके अंदर सिर्फ एक एक सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी मतलब क्या होता है? मैनी। तो जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनके एग्जाम्पल क्या है भाई? हम ह्यूमंस, हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इन सब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं, मैनी। तो इस सेल का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेल की जो शेप होती है, या शेप सेल की जो साइज होती है, वो एक्चुअली एक स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म करता है उसको भी बताती है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन का ही बताया था आपको कि अगर इस तरीके की शेप का जो सेल होता है, ये स्मूथ हमारी जो ह्यूमन बॉडी में ये मसल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ऐसा वाला, ये तो आप आगे पढ़ोगे भी, ऐसा वाला जो आपका जो सेल होता है उसको हम न्यूरोन बोलते हैं, या आपका नर्व सेल होता है, ठीक है। तो अलग शेप है सेल ही, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है। पर सेल का जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सेल सेल डिफरेंट डिफरेंट शेप के भी हो सकते हैं। जैसे ये एक टाइप का सेल है, ये एक टाइप का सेल है, उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये वाला सेल जो है वो मसल मसल बनाता है, ये वाला सेल आपका न्यूरोन के पे काम करता है। तो बेसिकली हम फंक्शन ऑफ सेल में ये बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, जैसे हम ह्यूमन, उसमें सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, हार्ट का काम क्या होता है? पंपिंग ब्लड, ब्लड पंप करता है इन और आउट, ठीक है। सिमिलरली अगर स्टमक है, उसका काम क्या होता है? डाइजेशन, यही काम होता है ना। मान लो आपकी किडनी है भाई, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, तो ये हार्ट भी तो पूरा सेल से बना हुआ होगा, स्टमक भी तो पूरा सेल से बना होगा, किडनी भी तो पूरी सेल से बनी होगी, लेकिन फंक्शन देख लो अलग अलग कर रहे हैं। हार्ट जो है वो पंपिंग ब्लड का फंक्शन कर रहा है, ये है फंक्शंस, ठीक है। स्टमक जो है डाइजेशन का काम कर रहा है, किडनी जो है वो क्या काम कर रही है? ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है, यूरिन का काम कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए बायोलॉजी में एक टर्म दिया गया है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसके लिए बायोलॉजी में एक टर्म दिया गया जिसका नाम है डिवीजन ऑफ लेबर। इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब लेबर मतलब क्या होता है? काम बोलते हैं, लेबर बुलाया वो, हाँ, आसान भाषा में भी यूज करते हैं हम लेबर वर्ड। तो लेबर मतलब काम, उसका डिवीजन। तो हर काम का डिवीजन हो रखा है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में, हर काम का डिवीजन हो रखा है। तो ये वाले सेल का काम का लेबर ये है, लेबर मतलब काम ये है पंपिंग ब्लड। इन वाले सेल्स का जो स्टोमक से, जो जिन सेलों से स्टोमक बना है उनका काम डाइजेशन का है, जिन सेलों से किडनी बनी है उनका काम ये है। तो डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं इस चीज को, मतलब सबका काम, सबका लेबर डिवाइड कर दिया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये काम होता है सेल का। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही आपका सेल डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। अगर आप सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमीबा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा, यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होगा, ऐसे बीच में न्यूक्लियस होगा। अब यहां पर होता क्या है कि हमारे जो सेल होता है ना, इसके अंदर भी छोटे 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 छोटे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़े ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं, ये हार्ट एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑर्गन है। तो इसी, ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, लेकिन यूनिसेलुलर तो बस अकेला, ये खुद ही एक बॉडी है, पूरी की पूरी एक सेल ही एक बॉडी है अमीबा, है ना। तो इसके अंदर भी जो ऑर्गन होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ये बढ़िया, देखो, ऑर्गेनेलीज।
ऑर्गेनेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम सिर्फ नॉर्मल ऑर्गन्स बोलते हैं, और एक सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो अंदर इसके सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेल भी अलग अलग काम करते हैं अपना, जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर से, हार्ट अलग काम कर रहा है, किडनी अलग काम कर रही है, स्टोमक अलग काम कर रहा है, वैसे एक सिंगल यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो छोटे छोटे आपके ऑर्गेनल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल होते हैं, ये भी अलग अलग काम करते हैं बाय द डिवीजन ऑफ लेबर। ये वर्ड तो मैंने आपको समझा दिया, डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का डिवीजन हो जाना, लेबर यानी कि काम, उसका डिवीजन हो जाना। तो ये वाला ऑर्गेनल मान लो कुछ और काम करेगा, ये ऑर्गेनल कुछ और काम करेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या काम होते होंगे आप सोच रहे होंगे, भाई बहुत सारे काम होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, भाई वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पर सांस तो वो भी लेता ही होगा, रेस्पिरेशन का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वेस्ट मटेरियल को क्लियर, जो ये मान लो ये एक अकेला एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, मान लो ये अमीबा है, पर है तो ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है लेकिन है तो ऑर्गेनिज्म, तो ये भी रेस्पिरेट करेगा, वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करेगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का डिस्पोज होगा, और आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है, इस तरह के काम, ठीक है। तो क्या क्या काम है इसमें, वेस्ट मटेरियल, रेस्पिरेशन, या फिर आपका न्यू प्रोजेनी, मतलब न्यू बेबी, प्रोजेनी मतलब न्यू बेबी, न्यू चाइल्ड, न्यू प्रोजेनी, ये सब, और आपके बहुत सारे टाइप के, मतलब कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे सिर्फ एक सेल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। क्यों वो कैसे करते हैं फंक्शन, उनके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, और हर ऑर्गन अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल ऑर्गेनेली का मैं नाम बताता हूँ आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेली पर पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा इन सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं, उनके फंक्शन क्या है, सब एक्सप्लेन करूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक तरीके का सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर होता है, उसका काम क्या होता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल ऑर्गेनेल है वो आप सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो सेल है वो फंक्शन करते हैं बाय डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको समझा दिया, ये वर्ड का मतलब क्या है, ये आपकी बायोलॉजी में यूज होता है, मतलब लेबर मतलब काम, काम का डिवीजन। तो हर ऑर्गन्स अलग अलग काम करता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में अलग अलग काम कर रहे हैं सारे सेल, हार्ट अलग काम कर रहा है, स्टोमक अलग काम कर रहा है, और सिमिलरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग काम हो रहे हैं, हर ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये है फंक्शंस ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे सेल अभी तक हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल, ये जो अंदर ऑर्गेन है सेल के, सिंगल सेल के अंदर, वो कैसे कैसे काम करते हैं और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी आपकी फंक्शन ऑफ सेल, काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, पर इंपॉर्टेंट थी कॉन्सेप्ट बेसिस पे, तो इसको देखना और सुनना जरूरी था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।